हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ पिंकी और पिंकी किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे चिकन पकौड़ा, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और टेस्टिंग लगती है। इसको बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से और झटपट बनके तैयार हो जाएगी, सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम बोनलेस चिकन लिए हैं, 300 ग्राम हम इसमें बोनलेस चिकन लिए हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। आप चाहे तो इस पर क्रिस्पीनेस के लिए चावल का आटा भी 1 चम्मच डाल सकते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रहे हैं। 1 चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं मिर्ची पाउडर, आप तीखे के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। इसमें हम 1 चम्मच सोया सॉस ऐड कर रहे हैं और इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से मैरिनेट करके हम 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे, ताकि चिकन हमारे अच्छे से अंदर से जूसी बने और बाहर से क्रिस्पी बने। इसको अच्छे से मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए हम रख देंगे रेस्ट करने के लिए। 1 घंटे हो चुके हैं, अब हम कढ़ाई गरम कर लेते हैं। कढ़ाई में हम ऑयल ऐड कर दिए हैं और ऑयल हमारे अच्छे से गरम हो रही है। अब हम इसमें 1-1 करके चिकन के पीसेस को हम इसमें ऐड करेंगे। फ्लेम को हम मीडियम हाई पे रखे हैं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरा बताइएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखिए चिकन के सारे पीसेस को हम इसमें ऐड कर दिए हैं और फ्लेम को हम मीडियम पे रखे हैं। एक तरफ से हल्के से क्रिस्पी हो गए हैं तो दूसरे तरफ से भी पलट के हम अच्छे से फ्राई कर देंगे। ये देखिए अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गई है। अब हम इसको 1-1 करके प्लेट में निकाल लेंगे। बढ़िया सा कलर भी आ गई है और ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही जूसी बनी है चिकन पकौड़ा। आप लोग भी इसको ट्राई कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।